हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर 5, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसके एक्सरसाइज 5.5 हम देखने वाले हैं। एंड 5.5 के भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे हम फोकस करने वाले हैं। इस वीडियो में उन्हें ही अच्छे से समझेंगे इन फर्स्ट टू क्वेश्चंस को। एंड ये एक्सरसाइज छोटी सी ही है, लास्ट के टू क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ जो हैं वो हम आगे की वीडियो में समझ लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सबसे पहले हमें समझना होगा। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइंस हैं और उन्हें इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करती हैं किसी सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ओके। तो जैसे सपोज ये दो लाइन है, ये दो एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक पॉइंट है ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। और एंगल बिटवीन दैम इज़ अ राइट एंगल। अब यहाँ जो इनके बीच में एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, एंड ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। ये चारों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है परपेंडिकुलर का। तो लाइंस बोली जाएंगी कि वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और अगर एक लाइन ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, तो जैसे ए बी लाइन ये रही और ये एक और लाइन है जो कट कर रही है इसको, और यहाँ चारों जो फॉर्म हो रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो एक लाइन ए बी है और वो कट कर रही है और उसे कट कर रही है सी डी, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी डी का परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखो, अगर ऐसे भी परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, इसमें देखो दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के आएंगे, यानी राइट एंगल आएंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर्स कट करती हैं लाइंस, कट करती हुई दो लाइंस जिनका जो है राइट एंगल आए जिनके बीच में, ठीक है। तो राइट एंगल जहाँ भी आए वो परपेंडिकुलर हो जाती हैं, दो एंगल जो इंटरसेक्ट करें और उनके बीच में राइट एंगल आए, ओके। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है हमें। और हमारे आसपास बहुत सारे परपेंडिकुलर्स होती हैं, जैसे आप टेबल देखो, टेबल के जो ऐसे कोने होते हैं वो भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे परपेंडिकुलर एग्जाम्पल में हो जाते हैं। जैसे देखो ये टेबल के जो कोने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, तो दो लाइन्स हैं जैसे ये और ये, दो लाइंस हैं और यहाँ इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्योंकि एल बन रहा होता है। तो ये अभी हम आगे ही समझने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस में यही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक लाइन है ए बी और एक लाइन है एन एल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी से एम एन इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो एम एन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, ठीक है। यहाँ सिंपली आपको यही बताया गया है। तो अब आगे क्या है, कंसीडर द एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड। तो बताई गया है कि रियल लाइफ में आपको परपेंडिकुलर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे पोस्ट कार्ड के जो एजेस होते हैं उनको देख लो, पोस्ट कार्ड के एजेस इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये दो लाइंस हो जाती हैं और ये यहाँ बीच में फॉर्म होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया है ना। अब बताया गया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसका मिड पॉइंट एम हो गया, और एम एन जो है वो एक परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के, सॉरी हाँ यही है, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी थ्रू एम, ओके। तो ये चीज़ है कि ए बी लाइन है और एन एम एक और लाइन है जो परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के, इतना तो समझ आ रहा है यहाँ से। और देखो ये दो एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री के, तो ये भी हम ये बात भी मानी जा सकती है। तो डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, क्या एम एन ए बी को डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट में? तो जो एम एन है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर रही है, ये एकदम सही है। एम एन बाइसेक्ट्स ए बी दैट इज डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। सो वी से एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो जो एम एन होगी ना वो ए बी लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके बारे में अभी हम और आगे कंस्ट्रक्ट करना भी सीखेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए हम फर्स्ट टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस हमें इतना ही जानना ज़रूरी था, मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। अब बहुत ईजिली हमारे दोनों क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। तो देखो इस तरीके से जो लाइंस होती हैं ना, ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक टी वाला लेटर ये भी परपेंडिकुलर होता है, कैसे? क्योंकि देखो दो लाइंस हो गई, ये सपोज करो ये लाइन ए बी और ये एक और लाइन हो गई, ठीक है, इसको भी आप नाम दे सकते हो। अब ये दोनों हो गई,
अब इनके यहाँ बीच में देखो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, ये जो दोनों एंगल आपके बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं 90 डिग्री के? क्योंकि एल जो शेप बनती है, जहाँ पर भी एल शेप बने तो मान लो वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और अब इस वाले में देखो यहाँ ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दोनों में देखो एल शेप बन रही है, तो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जांपल होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से मॉडल परपेंडिकुलर लाइंस के हैं। तो एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, टेबल का जो टॉप होता है, जैसे ये एक टेबल होती है, टेबल इस तरीके से मैंने रफली बना ली, तो इसके जो कोने होते हैं क्या वो एग्जांपल हैं एडजेसेंट लाइंस के? तो बिल्कुल हैं। देखो इस तरीके से एक टेबल का हम मान लेते हैं, चलो मैं आपको एकदम अच्छे से अगर शेप ड्रॉ करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। ये एक टेबल है और टेबल के ये सारे कोने हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे ये जो कोने हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल हुए कि नहीं हुए? ये बिल्कुल हो गए, ठीक है, ये बिल्कुल हो गए। जैसे मैंने पोस्ट कार्ड के एजेस की बात करी थी, इसी प्रकार से ये आपके टेबल के एजेस है, तो ये आपका यस हो जाएगा कि भाई ये तो है। तो आप यहाँ लिख दोगे परपेंडिकुलर, ओके। उसके बाद लाइंस, रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती हैं, इस तरीके से सीधी सीधी लाइंस होती हैं रेलवे ट्रैक की, आपने देखी होंगी पटरी जो होती है रेलवे की। तो अब वो तो यहाँ तो कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा, एल शेप कहीं पे भी नहीं आ रही, और ऊपर से हमने जब पैरेलल लाइंस पढ़ी थी तो हमने जाना था कि पटरियाँ जो होती हैं रेलवे की वो पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स होती हैं, ना कि परपेंडिकुलर की। तो ये आपका नॉट परपेंडिकुलर में आ जाएगा, यहाँ आप लिख दोगे नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, लिख देना नॉट परपेंडिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, एल लेटर तो मैंने अभी आपको बताया कि वो परपेंडिकुलर होता है, तो यस, या फिर आप लिख दो यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो वी लेटर, वी लेटर तो भाई कहीं से भी परपेंडिकुलर नहीं होता, क्योंकि देखो भले ही ये दो लाइन से बनता है वी लेटर, लेकिन दोनों लाइन्स में कहीं भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है? नहीं आ रहा, ये तो 90 डिग्री से छोटा एंगल हो गया, क्योंकि देखो लेटर जो होता है, देखो लेटर एल इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये तो 90 डिग्री से छोटा एंगल है, यानी ये तो एक्यूट एंगल है, राइट। तो यहाँ से पता चल गया कि ये वी लेटर भी नॉट परपेंडिकुलर है, तो आप लिख देंगे ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताया गया है कि एक लाइन पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन सेगमेंट एक्स वाई के। तो एक लाइन पी, जैसे एक लाइन हमने एक्स वाई ले ली और एक दूसरी लाइन ले ली जो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, ये हमने मान लिया पी क्यू, ऐसे पी क्यू मान लिया, ठीक है। उसके बाद लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, और दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, बीच में एक पॉइंट आ रहा है ए, ठीक है, ए पॉइंट पे कट कर रही हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई एंगल? अब यहाँ से एक एंगल बन गया आपका, कौन सा एंगल बना? पी ए वाई, ये एक एंगल बन गया, तो इसका मेजर क्या होगा? जाहिर सी बात है इसका मेजर, क्योंकि ये एल बन रहा है और हमें पता है परपेंडिकुलर में जितने भी मेजर्स होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मेजर भी 90 डिग्री ही होएगा। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल, ओके। तो यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती हैं, आगे के बस दो क्वेश्चंस बचे हैं जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।